सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारे लिए छोटी कच्ची रेजर है और वेट करने गए हैं और पूरी चेहर कर खेल रही है जीएनएस ब्लास्टर और इसी के साथ छोटी कच्ची रेजर ने कमाल किया और डीएनएस ब्लास्टर के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी को मार कर आया। डीएनएस ब्लास्टर जो एक बहुत ही अच्छे जाने माने टीम के जगह से है और यही रॉयल स्टार एसेस जो होम टीम है और इधर से सभी रेड करते हुए और इसी के साथ होम टीम के रेडर तनाव रेड करते हुए और इसी के साथ अंपायर का इशारा फोर्थ पॉइंट रॉयल स्टार एसेस ये अंपायर का इशारा है फोर्थ पॉइंट का और इसी के साथ फिर शशि रेड करते हुए और शशि अपनी टीम के जाने माने रेडर और डिफेंस दोनों करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं और इसी के साथ बहुत ही अच्छे रेड करते हुए शशि और इसी के साथ फिर रॉयल स्टार एसेस की तरफ से गोलू करते हुए और इसी के साथ रॉयल स्टार एसेस की फोर्थ पॉइंट अंपायर का इशारा डीएनएस ब्लास्टर का खाता भी नहीं खुला है और फोर्थ पॉइंट से रॉयल स्टार एसेस बहुत बनाई हुई है। एक होम टीम लोकल टीम एक ज्ञानी मानी टीम को अभी तक बहुत बनाई हुई है। डीएनएस ब्लास्टर एक ज्ञानी मानी टीम है सभी खिलाड़ी इसमें जाने माने हैं बोनस प्लस टू पॉइंट सुपर रेड और इसी के साथ सुपर रेड से डीएनएस ब्लास्टर ने खाता खोला है। हम इसी के बाद हम बोले थे जो डीएनएस ब्लास्टर और अंपायर का इशारा एक पॉइंट रेडर सेव एक पॉइंट रॉयल स्टार एसेस और इसी के साथ बहुत ही अच्छे रेडर रेस करते हुए और एक पॉइंट अपनी टीम के लिए लाते हुए आप सभी के स्कोर बता देना चाहेंगे। रॉयल स्टार एसेस दो पॉइंट से लीड कर रही है और इसी के साथ होम टीम के और इसी के साथ रेस करते हुए डीएनएस ब्लास्टर की तरफ से डीएनएस ब्लास्टर की तरफ से रेस करते हुए और डीएनएस ब्लास्टर की तरफ से अच्छी रेड होती हुई और इसी के साथ रॉयल स्टार एसेस की होम टीम है लेकिन दिखा रही है कि हम भी किसी से कम नहीं हम टीम है सभी लोकल खिलाड़ी है लेकिन आ रही है हम किसी से कम नहीं सुपर टेकर ऑन है डीएनएस ब्लास्टर के लिए और गोलू रेड करते हुए और इसी के साथ सचिव का सुपर टेकर डीएनएस ब्लास्टर दो पॉइंट लेने में सफल क्योंकि यह सुपर टेकर का मौका था और इसी के साथ डीएनएस ब्लास्टर की तरफ से रेड होती हुई हम लोग जानते हैं डीएनएस ब्लास्टर के सभी खिलाड़ी अच्छे जाने माने खिलाड़ी में से हैं लेकिन अभी तक एक पॉइंट की लीड बनाई हुई है रॉयल स्टार एसेस जो होम टीम है एक पॉइंट की लीड बनाई हुई है और डीएनएस ब्लास्टर उससे वापसी करने के लिए जानी जाती है क्योंकि वह बहुत ही अच्छी टीम है और शिवम रेड करते हुए रॉयल स्टार की तरफ से और इसी के साथ बहुत बढ़िया डीएनएस ब्लास्टर की बैट और छोटे कटके रेडर से उठाकर बाहर फेंक दिया। इसी के साथ दोनों ही टीम का स्कोर 7 ईच दोनों ही टीम का जो पॉइंट है वो 7-7 है और तो इस बार फिर से शशि के द्वारा एक टच काफी लिखा गया और देखते हैं अंपायर के द्वारा क्या इशारा दिया जाता है। एक पॉइंट डीएनएस ब्लास्टर के खाते में लाइन मान क्या करती है उन्हें क्या
और उसी के साथ गजब भी डांस माहौल में दिखाया ये डांस इसी में हम लोग उसको देखेंगे और सुपर टैकल ऑन अरे और लेकिन सुपर टैकल का फायदा नहीं उठाता है लास्ट खिलाड़ी रॉयल स्टार एसएस की बचे हुए हैं जो रॉयल स्टार ऐसे और वो उनको हार दिया जाएगा क्योंकि 3 पॉइंट दिया गया डीएनएस ब्लास्टर के लिए क्योंकि वो अपोजिट टीम कुछ बोले उससे उनको मतलब नहीं है और वो अपोजिट टीम के बाद मानकर वापस चले हैं और इसी के साथ डीएनएस ब्लास्टर की तरफ से टेक करते हुए शशि जो जाने माने रेडर पी रहे हैं शशि जो रेड करते हुए डीएनएस ब्लास्टर के लिए और इसी के साथ 1 पॉइंट इनकी जीत नहीं करते रहते हैं क्योंकि यह बहुत अच्छे रेडर हैं और इसी के साथ टेस्ट मारा गया डीएनएस ब्लास्टर की तरफ से और डीएनएस ब्लास्टर लीड कर रही है रॉयल स्टार एसएस 7 और डीएनएस ब्लास्टर 15 और मनी रेड करते हुए शशि रेड करते हुए इस साल खाली हैंडे में और बिना पॉइंट के शशि लौटे इसके साथ बोले रॉयल स्टार एसएस की तरफ से रेड करते हुए रॉयल स्टार की तरफ से बोलू रेड करते हुए शशि ने दिखाया हम एक रेडर नहीं और डिफेंस भी है शशि ने दिखाया है हम एक रेडर नहीं डिफेंस भी है क्योंकि बैक खोल करके अभी बोलू को और इसी के साथ रेड करते हुए लेकिन एक शिवम का कमजोर कोशिश और 1 पॉइंट देते हुए डीएनएस ब्लास्टर को और इसी के साथ डीएनएस ब्लास्टर 10 पॉइंट से लीड कर रही है डीएनएस ब्लास्टर 10 पॉइंट से लीड कर रही है और रॉयल स्टार एसएस 7 पॉइंट से पीछे आ रही है और इसी के साथ अंपायर का इशारा कलम को आउट किया गया है अभी अंपायर का इशारा सब मैन होता है और इसी के साथ ये ब्लास्टर की तरफ से रेड होती हुई जो और इसी के साथ 8 पॉइंट ब्लास्टर की खिलाड़ी शुरू में पिछड़ रहे थे लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे लीड बना लिए हैं 7 रॉयल स्टार एसएस और डीएनएस 7 रॉयल स्टार एसएस की तरफ से रेड करते हुए बोलू जो पिछले बार शशि को और फिर से धरोहर में उनको दमक किया बोलू अपने फुर्ती के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी फुर्ती क्या नहीं रही है क्योंकि एक बार कॉर्नर दोनों बार और इसी के साथ शशि रेड करते हुए और शशि का दावा 1 पॉइंट और अंपायर रेडर ईच 1 पॉइंट अंपायर ने ईच 1 पॉइंट दिया है अभी बाहर भाग लिया अपने अंपायर ने ईच 1 पॉइंट दिया है और शशि को आउट दिया गया है क्योंकि टच नहीं था और शशि लॉबी में आ गए थे शशि अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस से लॉबी में आ गए हैं और उनको आउट दिया गया है इस मैच कबड्डी का एक नियम है और 1 पॉइंट आरएसएस 9 पॉइंट और 24 पॉइंट डीएनएस ब्लास्टर और इसी के साथ मन्नी जो रेड करते हुए और अंपायर का इशारा 2 पॉइंट का मन्नी ने 2 पॉइंट लेकर आया और अपने टीम को लीड और बढ़ाने में मजबूती की और फर्स्ट बहुत ही अच्छी रेडर जो रॉयल स्टार की तरफ से खेल रहे हैं पॉइंट लेने की कोशिश देखते हैं क्या करते हैं और बहुत ही अच्छा लेकिन प्लेयर ने उनको छकाया और फिर से खाली हाथ वापस एक बार अभी 3 ब्लास्टर 32 रॉयल स्टार एसएस 9 टीम ब्लास्टर के रेडर जो कि रॉयल स्टार की खेली में रेड करते हुए बार बार किक चला रहे हैं
पहले भी लंबा समय प्रयास कर रहे हैं पॉइंट एक आध और अपने खाते में बढ़ाए और इजाफा करें। रेड को और दिया गया, उन्होंने बिना कोई टच के लॉबी में गए और इसके साथ डी एन ट्रांसफर के खाते में एक और इजाफा होता हुआ शशि जो पॉइंट टच कर अपील किए हैं और उनको मिला भी। अंतिम चार मिनट दोनों ही टीमों के लिए अंतिम चार मिनट का खेल बचा हुआ है और इस बार फिर से पकड़े गए ब्रायन स्टार एसएस के खिलाड़ी। इसके साथ एक और पॉइंट डी एन ट्रांसफर के खाते में। ऐसे ही होता है मैच। नेक्स्ट मैच इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो खानापुर वर्सेस महाराणा प्रताप कबड्डी क्लब मधुबन। आपके लिए सेकंड कॉल है पूरा टाइम कार्ड बिल्कुल लास्ट फाइव और जैसे ही खत्म होगा ये मैच आप फोन पर रिपोर्ट करेंगे। खानापुर महाराणा प्रताप कबड्डी क्लब मधुबन आप दोनों ही टीम तीन मिनट के मैच के लिए एक और पॉइंट डी एन ट्रांसफर के खाते में। न्यू दर्शक दूसरा की तरफ से ये आगे उतरता हूँ इसे बनिया टीम की तरफ न्यू दर्शक दूसरा अगला मैच में उतरता हूँ अगला मैच में उतरता हूँ एक खिलाड़ी और नया और एक खिलाड़ी बचे हुए हैं। अंतिम दो मिनट का खेल बचा हुआ और बहुत ही छोटे कम के खिलाड़ी हैं लेकिन चाहेंगे पॉइंट अपनी टीम के लिए लेने का और देखिए पकड़ने की कोशिश की गई गेंद काउंटर के द्वारा और वही पकड़ लिए गए। इसके साथ रॉयल स्टार फिर से एक बार ऑल आउट दोनों ही टीमों के लिए अंतिम एक मिनट का खेल डी एन ब्लास्टर के खिलाड़ी खेलता हुआ ना जो की रॉयल स्टार की खेमी में रेड करते हुए उज्ज्वल अपने खेल और इन्होंने बहुत ही काफी बढ़त बना लिया है और अपनी टीम के लिए चाहेंगे अब इसी बढ़त के साथ अपने खेल को समाप्त करें। इस बार क्या क्या है देखते हैं और फिर से इस बार लेकिन दो पॉइंट रॉयल स्टार के खाते में। उठा लेती हो तो गजब उठा के और इसी के साथ रेफरी का ही सारा खेल समाप्त हो गया और जो फाइनल स्कोर है